सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज मैनूं लगदा कि दुनिया का सब तो साढ़े लिए खुशहाल दिन है क्योंकि ये सोशल मीडिया ने जो करके दिखाता है, अज वीडोनट की टीम ने वह करके दिखाता है क्योंकि एक जिहड़ियां हमेशा असीं सुणदे आं कि एक माँ के ढिड्डों जिहड़ियां दुआवां निकलदियां वह बंदे के वड्डे तो वड्डे माड़े कर्म साफ कर दिंदियां, पर जदों उही दुआवां एक औलाद के ढिड्डों निकलदियां ना अपनी माँ लई वह कित्थे लैके जांदियां, ये उही काम है। मतलब एक सीधा रब नूं पाणा। एक साडे कोल वीर आया सी थोड़े दिन पहलां जिहड़े जिन्हां दी मदर कुवैत दे विच फसे हुए सीगे किसे कारण तों, ते बाई ने बड़े मीडिया ते बड़े न्यूज़ चैनलों के बड़े लीडरां कोलों बड़े MLAं कोलों बड़े MPAं कोलों धक्के खा ले, ते उह वीर हार के एक उम्मीद नाल इत्थे साडे कोल होस्पिटल दे विच मिलन आया। उह वीरे ने जदों मैनूं फाइल दिखाई ना अपनी कि देख मैं वीरे अपनी किन्ने प्रेस रिपोर्टरां नूं किन्ने चैनलों नूं किन्ने MLAं नूं किन्ने MPAं नूं किन्ने लीडरां नूं दिखातियां, पर मेरा कोई हल नहीं होया, एंड च उम्मीद मेरी है। तो सानू बड़ा होया कि यार असी इन्ने काबल हैगे हाँ जिन्ना वो वीर सानू समझ रहे असी इस काबल हैगे हाँ, पर वो फिर भी वो वीर नू समझ लो कि असी उहदी हौसला नहीं तोड़ सकते सीगे। असी वो वीर नू हौसला दिंदे हुए कहा कि वीरे कोई नहीं तू तेरे तो जो साढ़े तो जो तैनू उम्मीद असी खरे उतरांगे। तो बाई अज साढ़े नाल कॉल ते है ते सत श्री अकाल वीरे। की हाल चाल भाजी? अच्छा की गुड न्यूज़ है भाजी अपनी दसो सारियां नू। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी कैनेडा तो वीर जी है रंधावा जेड हेल्पलाइन। अच्छा जी उन्होंने वीडियो देखी थी उन्होंने उस वे मेनू कॉल किया कि हाजी एनजीओ आ पूरी गलबात करके कहंदा सी कि मैं इदां दा मम्मा नूं भेज दवांगा ते मेरा इन्ना ना खर्चा आया वा, ते ओह भाजी हुण कहंदे कि खर्चा भी पे करन नूं तैयार आ। क्या बात है, तुसीं उहनां नूं भेज दो वापस। अच्छा ना ना भाई मैं इन्ना खुश होया खुशखबरी सुन के यार मेरे रोंगटे खड़े थे जदों मैं फोन ते तेरे नाल गल कर रहा सी ना ते मेरे टीम मैंबर ने मैनूं नाल ही कहता कहिंदा वारी तुहाडे रोंगटे खड़ के कोई गल हैगी इदां दी, ते गल तेरी वीरे इही सी कि तेरे मम्मी आ साडे मम्मी आ सारिआं दे इकट्ठे मावां सांझियां हुंदियां, ते बड़ी खुशी होई कि वह वीर दी वह अपनी माँ नाल गल भी हो गई अपनी मदर नाल, ते वह मदर इस हफ्ते दे विच विच वादा हो गया कि वह मदर आ भी जाणगे। अच्छा वीरे जदों माता जी आ गए उदों फिर आएगा माता जी नूं लै के सेवा ते? वाहेगुरु क्या बात है। ना ना वीरे तू बस समझ ला कि जदों माता जी आ गए ना बस उन्होंने आंदे सेवा से लिया ही साढ़े लिए यही बड़ी खुशकिस्मत की गल होगी। वाहेगुरु वाहेगुरु आ कर लो वीरे गल जरूर। मैं कहना आप दुनिया च वसदे सारे वो वीर का हाथ जोड़ के थैंक यू करते हैं वीरे मत्था टेक के कि तुसी एक माँ नूं एक बच्चे नाल मिलाण दे विच इन्नी वड्डी कोशिश कीती कि अज उहदी माँ दी अपनी मम्मी दे नाल गल भी हो गई साडे कोल साडा वीरा सेवा करन आया साडे कोल दीदियां सेवा। आ जाओ बेटा आ जाओ। आ मैनूं एक चीज़ बड़ी अजीब लगी कि की कहिंदे बर्थडे भी वो सिस्टर दा ते वो कार्ड भी मेरे वास्ते लैके आई ते आ भैण मेरे वास्ते कार्ड लैके आई वो वड्डी भैण आई है ते मैं दीदी नूं कहा मैं कहा मैं भैन नूं कहा मैं कहा भैणे देख बर्थडे भी तुहाडा ते कार्ड भी तुसीं लैके आओ मैनूं बड़ी शर्म आ रही है। कहती नहीं जो गिफ्ट आपने दिया है सोसाइटी को सेवा करने का तो वो कोई और नहीं दे सकता इसीलिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो वो है। तो आई वॉज शॉक्ड कि कितनी एज है बेटा आपकी? 11 एज में इतने उच्चे संस्कार कैसे? आपको देख के बस घर के अंदर से बस जाऊं मैं क्या करूं। वाहेगुरु ये कार्ड जितने दिल से बनाया ये तो देखिए मेरे मामू के बेटे ने हमारा। अच्छा जी मामू के बेटे के जी आपका इतना प्यार करने की वजह? बस आप बहुत अच्छा काम करो बहुत अच्छा। लो जी लो लो सेकंड गॉड। वाहेगुरु वाहेगुरु 11 साल दी ये जड़ी अंदरों
ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ ਵੱਡੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਰਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਚਣਾ ਲਾਈਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਇਨਕਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਹੈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਾ ਅਭੀ 3-4,000 ਰੁਪੀਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਤੇ ਹੋ ਆਪ ਰੋਜ਼ ये 300 रुपया रोज कमाते हैं 4,000 अभी तक इनका लग गया इनको मैंने बोला अब आगे आपके इलाज के पास पैसे नहीं आपके पास अब इलाज कैसे होगा फिर देखो उनके पास वर्ड्स नहीं है कि उनको अपना बेबी बचाना है और अगर उनको आज आप पैसे ना देते या आज ये भाई इनको पैसे ना दे या आपकी सिस्टर बर्थडे मनाने या ये दीदियाँ हैं ये पैसे ना दे तो मेरे को बोलते हुए भी कुछ हो रहा है कि इनका बच्चा नहीं बचेगा क्योंकि बी प्रैक्टिकल अगर कोई रोड पे बच्चा रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है हम उसके आसपास बैठ के प्रेयर करें कि उसके हॉस्पिटल लेके जाएं हॉस्पिटल लेके जाएं बट इन दिस क्रूअल वर्ल्ड पीपल विल थिंक कि अनमोल कह रहा है कि अगर अनमोल नहीं हेल्प करेगा तो ये बच्चा नहीं बचेगा बट इन प्रैक्टिकल वे साढ़े शहरों के साढ़े समझ लो पंजाब के रोज़ इदा के किन्ने मरीज है जोड़े मर रहे और मेरे को रोज़ दिया 100 एग्जाम्पल हैं साढ़े को दीदी आए हैं तुम देखो कि किन्नी वो इंस्पीरेशन है किड्डी वो मोटिवेशन है कि उन्होंने आप दे फादर DMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ है और अपने दुख इन्ने पारे होने तो बाद भी दीदी किसी होर ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ खड़े है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਡਮਿਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੀਦੀ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਛ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰਦੇ ਆਏ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ DMC ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਦੀਦੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ 60-65,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਦੀਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਆਏ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਮਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕੁਛ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਈਆ ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ ਆਪਕੀ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇਸ NGO ਸੇ ਅਭੀ ਤੱਕ 64,000 ਕੀ ਹੋ ਗਈ 64,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਕੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਦੀਦੀ ਆਏ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਭਾਜੀ ਆ ਇਹ ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀਰਾ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ 11 ਸਾਲ 20-25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 35 3 ਸਾਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀਰਾ ਸਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ NGO ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ NGO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਲਓ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਪੈਸਾ ये दे दो इनको ये पकड़ भाई इसको दुआएं दो कि इनकी उम्र हो इनके माँ बाप को और पैसे दे भगवान की और ऐसे बच्चों की सेवा कर सके इदा के बच्चों की सेवावान के नाल बच्चे बचते हैं नहीं तो हॉस्पिटलों का तो इन्ना बुरा हाल है जब पैसा है नहीं तो हॉस्पिटलों बाहर पैसा है नहीं हॉस्पिटलों बाहर ये कुछ होंगे प्रैक्टिकल ले भाई क्या बात है यार भाई ये इसका ज़्यादा दर्द है ये अपनी पॉकेट में नहीं जोड़ी थी कुछ कहना चाहेगा भाई तू मैंने सबकी सेवा करने के लिए पकड़ में जुड़ी थी और अनमोर हुए से मिलने के लिए वाहेगुरु बेटा मेरे को ना लगता था मेरे को लोग पूछते थे कि आप इतनी छोटी उम्र में क्यों शुरू हो गए मैंने आपको देखा 11 साल के इतनी छोटी उम्र है आप इसको देखो कितनी उम्र है बेटा आपकी नहीं ना आपसे भी छोटा है क्या बात है 9-3 का भी खड़ा ना क्या बात है 3 तो शुरुआत की है मतलब एक बाय बर्थ भी कई दीदियाँ आ जाते हैं कि करो बाकी दीदी साढ़े ना कोई विचार साझे करेंगे नहीं नहीं बस ये कि जितनी सेवा कर सकता है हर कोई के लिए तो वो जरूर करे आके वाहेगुरु दीदी अपने दुख इतने बड़े होने के बाद भी आप किसी के लिए खड़े हो ये चीज बड़ी मुश्किल है नाले किसी की हेल्प करने नाल कोई थोड़ा नहीं होता मधु है ये दिन ब दिन बिल्कुल वाहेगुरु दीदी इस NGO में सबसे ज्यादा कौन सी चीज ने आपको मजबूर किया कि यहाँ पर मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं हर वीडियो के साथ एक मोटिवेशन मिलती थी कि नहीं हमें भी हेल्प करनी चाहिए किसी को आपके साथ ही जुड़े हैं सारे वाहेगुरु वाहेगुरु अनमोल जी जो सबसे बड़ी बात यही है कि आपके वो अकाउंट नंबर नहीं है आप डायरेक्ट हफ्तों में दिलाते हो ना मेरे लिए आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है वाहेगुरु मेरे लिए आपसे बड़ा कोई नहीं है
आप वो आप रियल हीरो हैं, वो ऑन स्क्रीन हीरोज हैं ना, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं मतलब वो बोलते हैं लोगों को मोटिवेट करते हैं, बट एक्चुअल मोटिवेशनल आप देते हो, आप करके दिखाते हो सबको, दिस इज बेस्ट थिंग। जितने लोगों को आपने जोड़ लिया ना अपने साथ, ਸਾਰਥਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। नहीं नहीं भाजी दिल तो अड्डा बड़ा, देखो तुसी खड़े हो पैसे देने वास्ते और असी मरीज लभ रहे हैं तुहाडे सामने होया वीर जी गलत कमेंट मारन दा भी कारण है कोना दा जेबां भरनियां बंद हो गईयां उहनां लोकां दीयां जिहड़े कहिंदे शोफ ना करो शोफ ना करो। वह जिन्ने भी मनी इकट्ठी करदे सीगे लोकां तों फोटो दिखा के वीडियो दिखा के वह सारी उहनां दी जेब च, थोड़ी मोटी सेवा कर दी बाकी अपनी जेब च, हुण उहनां ने गलत कमेंट मारनी है। पबलिसिटी का खत्म ही होगी, डोनेशन भी इकट्ठी होनी खत्म होगी ना उन्होंने, फालतू के पैसे इकट्ठे करके अपने जेब च पा लेंगे। भाजी कितनी उम्र थोड़ी? हैप्पी बर्थडे यार मेरे, हैप्पी बर्थडे भाजी। मैं ना एक गल हमेशा तड़पदा हुंदा सी, मैं कहंदा सी लुधियाने वाले कल्ला जन्मदिन ते एनिवर्सरीयां मेरे कोल मना लैंदा, कोई बंदा मरन नहीं दूंगा लुधियाने च। और भाजी रब गवाह परमात्मा की कसम वो दिन अज चल रहा है कि साडे कोल डेली कोई ना कोई जन्मदिन मना आ रहा। बिल्कुल सच है, लोगों को अपना बर्थडे तुहाडे नाल ही आके सेलिब्रेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, रब की कृपा तुहाडे कोल आंदा भी रहे। एक्चुअली अज कलयुग भाजी इन्ना चल रहा, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इन्ना चंगा इंसान कित्थों हो सकता। एक्चुअली भाजी मैं ना बड़ी एनजीओ नाल हुण मेरी मीटिंग जदों हुंदी है ना, मैंने उन्होंने देखो एक गल याद आती कि ग्राउंड लेवल ते एक आम जनता दे विच खड़ के कौन सेवा कर रहा है, कि अज आम खड़े हैं तुसी आ खड़े हो मेरे नाल आ खड़े दुख देखो, कोई दीवार नहीं विच कोई पड़दा नहीं, जो है शरेआम है सारयां दे मूहरे गल करनी। इस एनजीओ नू उपर जाण दा सब तो वड्डा मेन कारण यही है कि तुसी पैसे नू हाथ नहीं लाउंदे, खासियत है पैसे नू हाथ तक नहीं लाउंदे। जिहड़ी थीम है ना, जिहड़ी सोच है, इह बहुत बहुत मजबूत है, मैंने तो सुनी नहीं कभी, बहुत मजबूत है, इह तरीके करके ही ग्रो हो रही है, इह तरीके करके ग्रो हो रही है, सबसे बेस्ट चीज है इस एनजीओ, सबसे बेस्ट चीज है। थैंक यू सर, यही चीज है। इन्हां नू बाहरों फोन आ दे किन्ने कोई 5 लाख दी सेवा 10 लाख दी, इह कहंदे वी मैं पैसे नहीं, मैं कौड़ी भाजी पैसे इकट्ठे करन दा 5-10 करोड़ रुपए रोज ही छोटी गल है, वो तो मैनू पता सर, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मेरे देखो वाल खड़े हैं, मेरे रोंगटे खड़े होंगे, तो मैं कोई दिलों मतलब गल निकल जाए, बहुत जरूरी है, सही गल है भाई, ऑफिस बहुत जरूरी है, बहुत गल्लां है भाजी, एनजीओ नु प्रैक्टिकली मतलब वो करना, जिन्ना डबल तो ट्रिपल बंदा होर जुड़ जाना जी। वी आर ब्लेस, जब पठानकोट होती मेरा हमेशा दिल करता कि मैं यहां पे आऊं डोनेट करूं, बस नहीं मौका मिलता। आज हम डीएमसी बैठे थे, दो दिन से दिमाग में हो रहा है कि आज ये था कि मैंने जाना ही जाना है। दो दिन तो मंच फोड़ना बनया है इस गल दा, किथों नु मिलना जी, जेड़े लोग कहंदे ना गुप्त सेवा हुंदी, गुप्त सेवा। मेरे फादर काफी सीरियस है, ट्यूमर है उनको लिवर में, यदि भगवान करे कि जरूर ठीक हो अंकल, उनके लिए हम भी प्रे करते हैं, क्योंकि जो एक प्रे होती है कि जो आपने किसी को 10 रुपए दिए और धक्के से उसने दुआएं निकाल दी, सुख रहे परमात्मा खुशी रखे, एक जो ब्लेसिंग होती है वो अगर मुंह से वो नहीं बोल रहा फिर भी मिल रही है, क्योंकि उसका बच्चा बच रहा है। कई पेशेंट कई बच्चे ऐसे होते हैं मतलब जिनको फिर वो 10 रुपए दे के आप कहते हो कि हाँ जी वो ब्लेसिंग वो हो रही है, ये अंदरों मिली हुई दुआएं दिलों मिली हुई। बाकी भाजी कुछ कह, एक गुप्त सेवा का मैं कहना चाहना, जेहड़े कहंदे ने ना भी गुप्त सेवा करनी चाहिए है, ये गुप्त ही है जिहड़ा सारे नू शो कर रहे हैं भी तुसी इधर पैसे दे के गए हो, आ लो जी तुसी वीडियो सामने आ जाओ, तुसी तो अपने गुप्त सेवा कर गए ना, तुसी मरीज दे हाथ च दे गए, सोनू भी तसल्ली होगी नाले थोड़ी सेवा गुप्त। भाजी गुप्त का सब तो वड्डा साइड इफेक्ट पता की है, एक पेशेंट नू मैं ये बंदे नू ना वध तो वध इहदा बच्चा 25-30 हज़ार च ठीक हो जाणा, पर इहदी वीडियो पाती मैं वर्ल्ड च, तुसी देखी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਗਏ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਦੀ ਗੁਪਤ ਫੜਾ ਕੇ 5000, ਉਹ ਬੇਟਾ 5000 ਫੜਾ ਗਿਆ, 5-5 ਨਗਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 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 ਵਾਕਈ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੀਜੀਏ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਾਏ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਜੀਏ 'ਚ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਫਰੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 1000 ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ 60 ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ 5 ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਓ, 50 ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਪਤ 'ਚ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਈ, ਕੀ ਪਰੂਫ ਹੈ,
ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਐਨ ਜੀ ਓ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਾਈ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾ ਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਟਰ ਸੇਵਿੰਗ ਲਈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਵਾਟਰ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸੇਵਿੰਗ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਟਰ ਸੇਵਿੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ। ਜਦਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੂਹ ਜਾਂ ਕੂਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਹੋਜੂਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ, ਕੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਪੇੜ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਲੱਗਣਗੇ ਉਨੀ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਘੁਟਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ 0.1% ਇਸ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰੇ 'ਚ ਗੁੱਲਕ ਲਾ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਗੁੱਲਕ ਲਾਓ, ਉਹ ਗੁੱਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 1 ਰੁਪਿਆ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਜ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਰੁਪਏ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਗੁੱਲਕ ਭਰੀ ਜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਲਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਭਰ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ 11 ਲੱਖ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੋਚੋ, 11 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੇ ਗੁੱਲਕ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁੱਲਕ ਲਾ ਲੈਣ, 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਕੱਢਣ, ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਗੁੱਲਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਗੁੱਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਦੀਦੀ? ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਆਪਕੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੇ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਤਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਗੀ ਬੈਂਕ ਸੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ। ਜਦ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਨੇ ਵੀ ਦੇਨੇ 1000, ਹਮਨੇ ਵੀ ਦੇਨੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਆ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਵੀਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਦਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਜ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪੂਜ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਐਕਟਰ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਫੇਵਰਟ ਹੀਰੋ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨ ਦਾ ਹਾਰਟ, ਸਾਰੇ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਹੀਰੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕੋ ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕਿਤਨੇ ਗਰੀਬ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ। आपका भी पेशेंट है ना, एक आप हेल्थ के लिए आए थे अंकल, जब आप आते हो तो कितना मरीज होता है मेरे पास रोज? 100-150 हो ही जाते हैं। वाहेगुरु। रोज कितना परेशान है लोग? बहुत परेशान। इसी दुनिया में देखो लोग वो हैं जो मदद करना चाहते हैं, और वो लोग वो हैं जिनको चाहिए। अगर हम एक पुल का काम कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं।
अगर ये गुना है तो ये गुना सबको करना चाहिए। पैसे वाले सर जी सब देते हैं, निस्वार्थ सेवा बच्चे के लिए, जिसको कोई सहारा नहीं, उसको जो देता है आज के टाइम पे जो अच्छे काम करते हैं लोगों को वो डाइजेस्ट ही नहीं होता। हाँ वो एक कलयुग बहुत ज्यादा ना। वीरे ने कुछ कहना सी, वीरे की कहना। दुनिया कहती है वीरा विचो खांदा या खाई जावे, पर मैनू पता वीरा नहीं खांदा। नहीं खांदा भी होवे ते तानू की है। नहीं भी गल आपां लाइव साबित करा दिंदे आ। इन्हां दा बच्चा कृष्णा हॉस्पिटल में तुम्हें किसने भेजा था एडमिट करवाने के लिए? गरेवाल में गए जी। अच्छा सबसे पहले उस हॉस्पिटल में गए। अच्छा फिर उसने जवाब दे दिया। अच्छा कृष्णा वहीं पर, वहीं कृष्णा किसने भेजा था? अपने आप ले गए? नहीं, गरेवाल वालों ने। अच्छा मैंने तो नहीं भेजा। नहीं गरेवाल ने बताया कि कृष्णा हॉस्पिटल में भेजा। अच्छा बेटा जो आपने सेवा की किसको की? इनको, इनका बच्चा एडमिट है, पैसे इन्होंने दे दिए। अब खादे में इधरों साइड तो फाड़ ले। नहीं मैं वही कहना, मेरा दुनिया कहती है उन लोकी बाजी मेरे से, लोकी क्यों कहते बाजी मेरा लाइफस्टाइल देख के कहते हैं मैं लोगों के चक्कर अपना लाइफस्टाइल थोड़ी बदल सकता यार। अपने शौक अलग है। मैं शुरू से ही ऐसा हूँ दीदी, मैं एनजीओ के बाद नहीं अमीर हुआ, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए लोगों की हेल्प करनी ये बड़ी बात है। तीन चार बार मैं कहना मैनूं लाइव आके दसो कि मेरे तेरा आ फायदा हो रहा, आ तेनू पैसे दिते, जे नहीं दिते तां भावें मैं घुमा रेंज रोवर च, भावें मैं घुमा जहाज च, यार मैं बंदा वा यार। ये लोग चाहते हैं कि एक बंदा इनके टाइप का बन जाए, मतलब बीबा फटे कपड़े डाले, जय करके बात करे हैं, और जी हेलो जी जी जी, बाहर से पूरा ऐसा बन जाए कि जैसा लोगों को पसंद है, अंदर से वो खोटा। मैं बाहर से ऐसा हूँ जो लोगों को पसंद नहीं है, तो अंदर से साफ हूँ, बस ये फर्क है। तो जितने मर्जी पर लोग जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते जाएंगे, जुड़ते बिल्कुल। उनको जड़े टंगा खींचते हैं, उनको एक दिन सड़े हो, आप आके देख लो एक बार, फिर पता लग जाऊंगा। उनके लिए आधा दिन भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, दमन को सामने आ जाओ, आ जाओ करके देख लो, जो एक बंदे ने कर दिया कोई भी नहीं कर सकता। वो फेसबुक पे गए बंदे ने, बस ये कमेंट मार के ये शो सड़े, तू शो भी कर लो, परवाह कर लो, तू शो भी कर लो, शोफ करके ही कर लो जेड़ा काम करना। शुक्र शुक्र परमात्मा, थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस। शोफ करके भी नहीं लोग करते हैं, कुछ भी नहीं करते, नहीं निकालते जेब से, आओ फिर सामने शोफ करके ही कर लो। नंबर साडा हैगा 7889168849। एक्सक्यूज मी। हां जी हां जी, आ जाओ जी आ जाओ, सेवा लवा देनी, 2 मिनट रुको बस लवा देंगे। तो इस परिवार जिदा जिदा बढ़ता जाऊगा उदा उदा असं पेशेंट बढ़ाते जावे, पेशेंट की हेल्प बढ़ूगी। परिवार एक दिन ऐसा बन जाए कि जदों ये परिवार के टीम मैंबर दुनिया छड़न तो ये कहन कि हुण पिछों की कोई मरीज बिना पैसों तो नहीं मरूगा, क्योंकि बड़े मरीज हजे भी मर रहे बिना पैसों। तो हॉस्पिटलों जिन्हें मरीज एडमिट है उन्होंने दर्द पता पैसे का की है, कि पैसे तो बिना की जिंदगी है। असं चाहते हैं कि पंजाब में जिदा ड्रग फ्री बनाया जा रहा है कि ड्रग ना हो, उदे असं चाहते हैं कि कोई इलाज तो बिना ना मरे, तो इलाज मिले सारियां, असं इदा का भी पंजाब चाहते हैं। तो जदों तक जिते तक कोशिश हुई करते जावे, जो तक भरावान का साथ रहा, दीदियों का, ब्रदर का, फैमिली का, सारे का साथ दे, असं लगे रहेंगे। आज भी हम हॉस्पिटल में थे, मैं अपनी मम्मी को वीडियो दिखा रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे देखते देखते। बहुत प्यार करते हैं दीदी, मतलब मैं खुद समझता हूँ कि मतलब प्यार का लेवल ही मतलब एक नया सेट कर दिया, कि इतना प्यार भी कोई किसी को कर सकता है, लेवल सेट कर दिया प्यार का, और वो प्यार का मैं देना सारी जिंदगी। दूसरा रूप आपका वाहे, अरे हम सेट नहीं होना है भैया, वधदा ही जाना लेवल इना को लाके। कोई बंदा ऐसा नहीं है भी उरे आके ना इथरो आके कोई मरया बचया ही है, लखा करोड़ों दुनिया बच गई होनी जी, और ऐसा नहीं है भी हां जी अनमोल जी को आके, हां जी जान नहीं बची है। शुक्र, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरी बच्ची को 2.5 लाख रुपया लगना है, फिर भी जो इनके यहाँ आए हैं, थोड़ा थोड़ा से काम चल रहा है, वो चलता भी रहेगा भाई साहब, ये चलता भी रहेगा आपका बच्ची। वाहिगुरु, आपने अंकल जी करम इतने अच्छे किए हैं कि आप इन बच्चों तक पहुंच गए, और आपका बच्चा ठीक होगा दुआओं के साथ भी और पैसों के साथ। जैसे इनका बच्चा ठीक हुआ है, इनका ठीक हुआ है, इनका ठीक हो रहा है, देखो पैसे मिल गए, ठीक हो जाएगा, बस
ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਯੂ ਆਰ ਐਂਜਲ ਫੋਰ ਪੂਰ ਪਰਸਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਮ ਤੋ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਜੈਸੇ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਵਾ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਕਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਟਾਂਚਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਵਿਹਲੇ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਠਾ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਕਮਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾ ਲਿਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਆਪੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਾ ਲਓ ਇਹ ਪਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਹੈ ਰਹਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਤਾ ਸੰਭਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀ ਚਾਹੀਏ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਦੁਆ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਦੁਆ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੋਡ ਬਲੇਸ ਯੂ